तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, कोई असर हुआ क्या वहां? सांसदों को भी रातों रात सब कुछ छोड़ करके निकलना पड़ा कि नहीं निकलना पड़ा? बोलो, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे देश में ये स्थिति नहीं बन रही? तुम्हारे बीच से अगर किसी एक बहन बेटी ने कोई बात टीवी डिबेट के ऊपर बोल दी और वो बोली है जो लिखा हुआ है, प्रमाण है, वो झूठ नहीं है, वो कोई अलग से निकाल करके नहीं बोली। अगर किसी 80 साल के खूसड़, ध्यान रखना, मुसलमान को शादी करनी होती है तो वो यही उदाहरण उठा करके लाते हैं, यही वाले। पर आज यही बात अगर किसी बहन बेटी ने बोल दी और उनकी तादाद, उनकी हिम्मत देखो इतनी बढ़ गई कि उन्होंने जगह जगह देश के अंदर आग लगा दी। जब तुम्हारे शिवजी के बारे में बोला तो किसी के कानों पर छूतक नहीं रहेंगी, तुम्हारी माता पार्वती के बारे में बोला तब कानों पर छूतक नहीं रहेंगी, उन्होंने सीता को व्यभिचारिणी बता दिया तो तुम्हारे कानों पर छूतक नहीं रहेंगी। सरेआम मौलवी बैठ करके टीवी डिबेट में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते रहे, किसी के कानों पर छूतक नहीं रहेंगी, कोई भेड़िया नहीं निकल के आया। पर एक बात नूपुर शर्मा ने कह दी और सारे कुत्तों के झुंड निकल करके सड़कों पर आ गए। जरा सोच करके देखो, तुम्हें क्या लगता है ये षड्यंत्र नहीं? तुम्हें क्या लगता है ये पहले से कोई योजना नहीं है? आप जाते हो इबादत करने के लिए और उधर से एकदम से इतने पत्थर तुम्हें कहां मिल जाते हैं कि पुलिस वालों को पीछे हटना पड़ता है पर वो पत्थर खत्म नहीं होते? आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई योजना नहीं है? और इसके पीछे कोई योजना नहीं है कि जो भाईचारे के गीत सुनाए जाते हैं वो सारे के सारे गीत हमारे लिए है, क्या वो उन पर गीत लागू नहीं होता? अगर इतने शांति के स्थापित करने वाले हैं, अगर इतनी अल्लाह ताला की इबादत करने वाले हैं, तो जब नूपुर शर्मा के लिए देश में आग लगा दी तो जिन कुत्तों ने, ध्यान रखना, कन्हैया लाल की गर्दन काटी है, उनके लिए भी सड़कों पर आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? तब तो पता लगे कि ये भाईचारे का पाठ दोनों तरफ से चल रहा है। और तुम एक पक्ष को लेकर के आग लगा दो देश में और दूसरे पक्ष पर तुम दुदकारी नान करके बिल में घुस जाओ, इससे पता नहीं लगता, ध्यान रखना। इसलिए थोड़े से सचेत हो जाओ, थोड़ी सी तो आवश्यकता है आप लोगों को जागरूक होने की, थोड़ा सा तो विचार और मंथन चिंतन माताओं तुम भी करो कि तुम कर क्या रही हो आज। एक एक तुम्हारा बेटा, उसे तुमने इतना फुसफुसिया बना दिया, इतना फुसफुसिया बना दिया कि वो 15 मिनट धूप में नहीं खड़ा हो सकता, वो 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता, वो इतना फुसफुसिया सुख सुविधाएं देकर के बना दिया, सपना सजा करके बैठे, हम तो इतनी संपत्ति जोड़ के देके जाएंगे, हम तो इतना बैंक बैलेंस जोड़ के देके जाएंगे, हम तो इतने बड़े बड़े मकान देकर के जाएंगे। एक बात मेरी याद रखना, चाहे सब भूल जाना, एक बात मेरी पर याद रखना, सब भूल जाना, जिस दिन जिसकी तादाद ज्यादा होगी और जिसकी हुकूमत ज्यादा होगी, तुम्हारे कोठी बंगलों पर राज तुम्हारे बच्चे नहीं करेंगे वो करेंगे, तुम्हारे उस पैसे को तुम्हारे बच्चे नहीं बरतेंगे वो बरतेंगे, तुम्हारी संपत्ति पर मालिकाना अधिकार तुम्हारा नहीं होगा उनका होगा। अगर यकीन ना हो तो कश्मीर का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, अगर यकीन ना हो तो पाकिस्तान को अलग हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, जब रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर के वहां से भागना पड़ा था, वो जमीन भी छोड़ी, वो कोठी बंगले भी छोड़े, वो धन संपत्ति भी छोड़ी। और इससे ज्यादा और दुर्गति क्या होगी कि छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों को अपना पैसा पिला पिला करके भारत तक उनको लाना पड़ा। तुम सोच करके देखो ये स्थिति हो चुकी है, और अगर ये पहले हो चुका है आगे नहीं होगा ऐसा बिल्कुल भी मान करके मत चलना, क्योंकि जो कौम अपने भूले इतिहास से शिक्षा नहीं लेती उस कौम के मिटने में कभी भी देर नहीं लगती।